वेलकम बैक टू इंडियन देसी तड़का। ये है आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी रवि शर्मा। भगवान भोलेनाथ का सावन का महीना शुरू हो चुका है और आप चारों ओर देख रहे हैं अभी इस वक्त कांवड़ियों की धमाल, कांवड़ियों की भयंकर भीड़। तो उसी भीड़ में हम लेंगे मजे और तड़का लगाएंगे हरिद्वार का। आइए पंडित जी के साथ में स्वागत है आपका इंडियन देसी तड़का पर। हरिद्वार के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने के लिए आइए मेरे साथ में मजे लेने के लिए। से हरिद्वार का सफर और रही दबदबाती भूख और सामने अगर मिल जाए भगवती छोले भंडार तो फिर कहना ही क्या है। गाइस वेलकम बैक टू इंडिया देसी तड़का। ये है रवि शर्मा आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। दोस्तों एक बारी वापस पंडित जी आए हरिद्वार शहर में। जी हाँ, जय गंगा मैया की सुबह ठंडे ठंडे पानी में स्नान किया और उसके बाद में अपना काम क्या है, खाने पीने की सैर करना, नई नई चीजें आपको दिखाना। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा है हरिद्वार की मथुरा वालों की देसी घी की पूड़ी और सब्जी, वो वाला वीडियो बहुत प्यारा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इधर ऊपर लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं भगवती छोले भंडार। जी हाँ, हरिद्वार में अपर रोड एक जगह कहलाती है जहाँ पास में है ब्रिटिशकालीन कोतवाली, पुलिस की कोतवाली बहुत ही प्यारी बनी हुई। उससे एडजॉइनिंग थोड़ा सा जब हम आगे आते हैं तो आपको मिलते हैं भगवती छोले भंडार, जिनको जीवन छोले वालों के नाम से भी जाना जाता है। छोले तो फेमस है ही, पर यहाँ की सबसे खास चीज़ जो मुझे लगी वो है चने वाला पानी। हिंदुस्तान में शायद कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलती होगी। यू कैन ऑल्सो कॉल इट छोला सूप, चने वाला सूप, बहुत ही प्यारा बनता है। कल मैंने यहाँ पर ट्राई किया था और आज वीडियो एक्सप्लोर करके आपको सारी यहाँ की चीज़ें बताने, आइए चलते हैं एक्सप्लोर करने। एक्चुअली जीवन छोले वाले की जो शॉप है मेन रोड पर तो है ही, और यहाँ के जो ओनर है बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे हैं, अरोड़ा भाई है। मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। ऑफ कोर्स उनकी हेयर स्टाइल देखिए, उनकी दाढ़ी देखिए, क्लासिक है। तो आइए छोले चावल, छोले भटूरे, बन मिक्स, छोले कुलचे, बन मिक्स, ये सारी चीज़ें इनके यहाँ की फेमस है। से बात करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, आप देख सकते हैं कितने बिजी रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हर ग्राहक को बोलते हैं दो मिनट में। तो हमारा नंबर कब आने वाला है? 5 मिनट। ओके, यहाँ से काफी रिक्वेस्ट किए जब वो आप कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हैं। सर आप बताइए अपनी शॉप कितने सालों से है? पहले मेरे दादाजी थे जीवन दास जी अरोड़ा, फिर उनके पुत्र सना अमरनाथ जी अरोड़ा, फिर उनके सपुत्र गौरव अरोड़ा। काम को मेंटेन कर रहे हैं आप लोग आशीर्वाद से। गौरव भैया लगभग 70 साल हो गए अपनी शॉप को, क्या बात। और आपने स्वाद वो का वही मेंटेन कर रखा है, सब आशीर्वाद आप लोगों का। एक चीज़ मैंने सुनी, सुबह आप बच्चों को प्रसाद खिला करके और फिर बाद में अपनी दुकान, एक सबसे खास बात गौरव जी की ये देखिए, सुबह इनके दादाजी के टाइम से जब सुबह स्टार्टिंग करते हैं तो पहले बच्चों को खाना खिलाते हैं, क्या बात है। ये बहुत ही प्यारी चीज़ इनकी लगी। तो हम गौरव भैया क्या क्या आइटम अपने यहाँ पर अवेलेबल? यहाँ पर छोले भटूरे हैं, छोले चावल है, छोले कुलचे हैं, पाव छोले हैं, बन मिक्स है, बिस्किट ठंडी लस्सी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मिनरल वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। सबसे ज़्यादा फेमस ये आइटम, सब आइटम, क्या बात है। हर आइटम फेमस है इनका, ये आपके हाथ में, हर आइटम इनका फेमस है, वास्तव में स्वाद लाजवाब। ये है इनका सबसे फेमस आइटम चने का सूप, जो देते हैं ये हर छोले कुलचे और भटूरे के साथ में। यहाँ अगर आप आते हैं, आई थिंक इंडिया में केवल यही काउंटर ऐसा है जहाँ पर आपको ये छोले का सूप
मिलता है। यहाँ की सबसे खास स्पेशल आइटम ये है। वेल, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हरिद्वार की एक बहुत नामी हस्ती है जो बॉलीवुड के यहाँ पर छोटे मोटे जितने भी शूट्स होते हैं उनमें बैक बोन जो होती है वो नितिन भैया होते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं उनसे, उन्होंने किन किन सेलिब्रिटीज के साथ में काम किया है और आज हमारा जो कैमरा उन्होंने संभाला है क्या बात है। कुछ शॉट तो शानदार थे, लाजवाब थे। आप नोट कीजिएगा, देयर आर समथिंग स्पेशल टुडे। तो चलिए बात करते हैं नितिन भैया से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन अमीशा पोखरिया और बेसिकली मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से देख रहे हो, उनसे डेढ़ दो साल से काफ़ी शूट बॉलीवुड के उत्तराखंड में होने लगे हैं, तो जिसमें हम लोगों की पूरी सपोर्ट रहती है, पूरी टीम है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे मेरे एक दोस्त हैं एक्टर शादाब, जो टी वी सीरियल्स भी काफ़ी करते हैं, उनकी सपोर्ट में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जगह पर लोग काम कर चुके हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सब लोग कर चुके हैं। तो आइए आप उत्तराखंड में आनंद लीजिए, आगे बाती होगा और जीवन जी के छोले भटूरे। तो जीवन जी के छोले हमारे टेबल पे आ चुके हैं, हम खाने जा रहे हैं, मजे लेने जा रहे हैं और एज यूजुअल पंडित जी के मुंह के एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे। कुछ खास करने जा रहे हैं हरिद्वार में शूट की लाइन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनके नितिन भैया के नंबर दूंगा, आप यू चेक इट आउट। कभी कोई काम हो, कभी कोई जरूरत हो तो प्लीज़ उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलिए पंडित जी के पास में आ चुके हैं छोले भटूरे और पंडित जी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होना जा रहा हूँ, बस मुंह में रखा और उसके स्वाद के कारण आप देख रहे हैं पंडित जी की हालत क्या हुई है। मसाले तेज हैं बट एक्चुअली आज हरिद्वार में मौसम काफ़ी ह्यूमिडिटी का हो चुका है, तो देट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। गर्मा गर्मी में खाया छोला भटूरा तो मुंह में से आ निकलती है, तो पूरा शरीर पसीने में हो जाता है, स्वाद लाजवाब। उसके साथ में हमें छोला चावल वो भी ग्रीन लीफ, सबसे खास बात बहुत प्यारी हरिद्वार में लगती है इन ग्रीन लीव्स में दिया जाता है, जिससे इसका हर चीज़ का स्वाद कुछ और ही बन जाता है। ना मिया बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब। दोस्तों ये है यहाँ का सबसे फेमस आइटम चने का सूप, जो इंडिया में मिलता है सिर्फ और सिर्फ वेल्यूनो इंडिया में। जब हम स्ट्रीट फूड डिस्कवर करते हैं तो मक्खियाँ तो आना लाजमी है, वो भी उनकी अटेंडेंस रहती है, मेरी उनसे दोस्ती रहती है स्पेशली स्ट्रीट फूड में। हालांकि सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, फिर भी जो नेचर है वो तो नेचर है। आप राजा का महल भी है तो वहाँ पर भी मक्खी प्रवेश करेगी करेगी, तो ये तो स्ट्रीट फूड है भैया। दिस इज चने का सूप। स्वादिष्ट, शाम को ट्रेन में बैठने के पहले पंडित जी का पेट एकदम साफ हो जाना चाहिए। वेल, आज वाला वीडियो ब्लॉग भगवती छोले भंडार या जीवन छोले वाले आपको कैसा लगा? YouTube के पंडित जी देते हैं 10 में से 9 नंबर अरोड़ा साहब को। अरोड़ा साहब एक्सीलेंट, आपकी शानदार मुस्कुराहट है, हेयर स्टाइल फैबुलस और स्वाद एक नंबर। बताइए सर कुछ आप इंडियन देसी दरगाह के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। जय माता जी की। राइट सर, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट्स भेजिएगा और अगर इंडियन देसी दरगाह पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। राइट डियर, चलते हैं कुछ और नई तड़के की यात्रा पर यूट्यूब के पंडित जी के साथ में।